नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बड़ी खबर लेकर आया हूं बिहार की सियासत से। जी हां, वैसे संभवतः आज शाम देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हो सकता है, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव के पास विश्वसनीय सूत्रों से जो पक्की लिस्ट है, लगभग वही लिस्ट रहेगी, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का। किन किन प्रत्याशियों को कहां कहां से टिकट मिलेगा, हमारे पास लिस्ट है सिटी पोस्ट लाइव के पास। बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से लिस्ट उपलब्ध हो पाया है और पक्की खबर है, अनौपचारिक है, हो सकता है संभवतः आज देर शाम इसका औपचारिक ऐलान हो जाए। क्रमशः मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां से किस किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा भारतीय जनता के, भाजपा के प्रत्याशियों को। देखिए, सबसे पहला मोतिहारी लोकसभा सीट, राधा मोहन सिंह किसान मंत्री देश के, भाजपा ने पहले अनाउंस कर चुकी है कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का टिकट नहीं कटेगा बिहार से। तो राधा मोहन सिंह मोतिहारी, शिवहर रमा देवी वर्तमान में भी सांसद हैं, मुजफ्फरपुर अजय निषाद वर्तमान में भी सांसद हैं, उजियारपुर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, उनका मिलना स्वाभाविक है। दरभंगा सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब तक की जो खबर आ रही है, संजय झा का जो जेडीयू से चुनाव लड़ना था वो लगभग कट गया है। दरभंगा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कीर्ति झा आजाद यहां से लगभग 3 बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे से सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब ये सीट जो है वो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में। और कौन हो सकता है प्रत्याशी, नीतीश चंद्र मिश्रा और गोपाल जी ठाकुर, ये दो व्यक्तियों का नाम चल रहा है। नीतीश चंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार में, नित्यानंद राय के टीम में हैं, उनका भी नाम चल रहा है। हालांकि इनका नाम मधुबनी से भी चल रहा था, लेकिन मधुबनी से संभावनाएं कम है और संभवतः इनको दरभंगा से टिकट दिया जा सकता है, या पूर्व विधायक जो है गोपाल जी ठाकुर उनको भी टिकट मिल सकता है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है दरभंगा लोकसभा सीट से। मधुबनी मिथिलांचल का घर, दरभंगा कल तक जेडीयू के पास थी लेकिन इस सीट पर पेंच फंस गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज का अपडेट है वो बड़े भाई की भूमिका में है सीट शेयरिंग पर। भाजपा कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रही है, झुक नहीं रही है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो लोकेशन है उसमें। तो दरभंगा सीट पर लगभग अभी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी। कल देर शाम तक खबर थी कि जेडीयू के संजय झा यहां से लड़ेंगे, लेकिन आज जो खबर है बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी दरभंगा से लड़ेगी। उसके बाद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं, जो वर्तमान में हुकुमदेव नारायण यादव सांसद हैं, पद्मश्री से नवाजा गया मधुबनी से अशोक यादव, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र, इनको टिकट दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। इसके अलावा अररिया सीट, जी हां, अररिया सीट पर दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा था, लेकिन खबर है कि भागलपुर का जो सीट था वो जेडीयू के कोटे में चला गया और सैयद शहनवाज हुसैन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अररिया से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन शहनवाज हुसैन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भाजपा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो नाराज हो गए हैं और उनका मन नहीं है अररिया से लड़ने का, वो भागलपुर से ही सीट चाहते हैं, लेकिन अररिया पर फिलहाल पेंच फंसा हुआ है, इस पर बातचीत का एक और दौर चल सकता है। इसके अलावा बांका से पुतुल देवी चुनाव लड़ सकती है। बेगूसराय गिरिराज सिंह, कई दिनों से सिटी पोस्ट लाइव आपको दिखा रहा है कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं, नवादा से उनका टिकट काट दिया गया है, बेगूसराय उनको शिफ्ट किया गया है। पटना साहिब से दो नाम चल रहा है, रविशंकर प्रसाद और आरके सिन्हा, लेकिन रविशंकर प्रसाद की दावेदारी ज्यादा मजबूत है और संभवतः रविशंकर प्रसाद ही उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आरके सिन्हा भी रेस में है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव मिनिस्टर हैं, सिटिंग एमपी हैं, लालू यादव से पाला छुड़ाकर भाजपा में आए थे, आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया था 2014 में और उन्होंने फिर भाजपा का दामन थामा था, टिकट मिल गई थी, मंत्री भी बन गए और इस बार भी उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे पाटलिपुत्रा सीट से। छपरा राजीव प्रताप रूडी, हाल में उनको प्रवक्ता बनाया गया, पहले मंत्री थे उसके बाद मंत्री पद से हटा दिया गया, फिलहाल उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और राजीव प्रताप रूडी लालू के घर छपरा से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा महाराजगंज से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल वर्तमान में सांसद है, सिटिंग एमपी है, ये भी चुनाव लड़ेंगे, इनका टिकट नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा आरा से आरके सिंह, राजकुमार सिंह देश के पूर्व गृह सचिव वर्तमान में देश के ऊर्जा मंत्री, इनका भी टिकट नहीं काटा जाएगा। आरा सीट पर भी जेडीयू ने मांग रखी थी, दावा पेश किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरा सीट पर भी नहीं झुकी। बक्सर अश्वनी चौबे, हाई प्रोफाइल नेता, फायर ब्रांड, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय,
अश्विनी चौबे भी अपने सेटिंग बैठाने में कामयाब हो गए और उनका भी वक्त चल रहा था ऐसी खबर कि उनको ये सीट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अश्विनी चौबे बक्सर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लगभग कंफर्म हो चुका है, महज औपचारिक ऐलान बाकी है। इसके अलावा सासाराम ललन पासवान या छेदी पासवान, इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी सासाराम से चुनाव लड़ सकता है। तो यह था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का लिस्ट। लगभग इसमें से कमोबेश यही स्थिति रहेगी, किसी किसी जहां पे दो दो विकल्प हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा सीट होगी, रविशंकर प्रसाद की दावेदारी मजबूत है, लेकिन आरके सिन्हा भी रेस में है। इसके अलावा ललन पासवान और छेदी पासवान में से कोई एक, जो क्योंकि छेदी पासवान वर्तमान में भी सांसद हैं, सासाराम से चुनाव लड़ सकते हैं। दरभंगा सीट, बड़ी खबर यह है कि दरभंगा सीट जो जेडीयू के कोटे में था, यहां तक कि संजय झा तो बकायदा चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए थे, लेकिन उनका टिकट ये तो कंफर्म हो गया है कि दरभंगा से अब नहीं मिलेगा। अगर वहां कहीं और से उनको शिफ्ट किया जाता है, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।